बात बच्चों, आपने अभी तक स्वर, व्यंजन और 12 कड़ी गिनती आपने सीख लिया है। तो चलिए आज हम सीखेंगे अ का अभ्यास। अ का यानी कि इसको कहीं भी मात्राएं नहीं लगेंगी, सिर्फ एक अक्षर रहेंगे, सिर्फ सिंगल अक्षर रहेंगे। जैसे कि अ ना नास, ठीक है, अ जगर अजगर यानी कि पाइथन, अनार मीन्स पोमोग्रेनेट, ठीक है, अदरक, इसको भी कहीं भी मात्रा नहीं है। तो ये क्या है, अदरक, अदरक मीन्स गिंगर, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए, ओ की कोई मात्रा नहीं होती, इसको कोई भी मात्रा नहीं लगाई जाती। प्रत्येक व्यंजन स्वर से मिलकर ही बनता है, प्रत्येक व्यंजन स्वर से मिलकर ही बनता है। जैसे कि उदाहरण के लिए क, उसको हलंत लगा कर, यहाँ पे छोटी सी रेखा दिख रही है, ये आधा क है, यहाँ पे ये पूरा क का उच्चारण नहीं होता। क हलंत के साथ लगाकर अधिक अ, क, क यानी क्या है, क म ल, यहाँ पे मात्राएं नहीं लगाई गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, च, अधिक अ, च, च क्या है, च मीन्स चरखा, चरखा मीन्स स्पिनिंग व्हील, ओके। ट अधिक अ, ट, ट मीन्स क्या है, ट टमाटर इन टोमेटो, वी लर्न इन द लास्ट क्लास अक्षरमाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, ख अधिक अ, ख, ख यानी क्या है, खत, खत यानी क्या है, लेटर, ओके। उसके बाद घ अधिक अ, घ, घ से घर, घर मीन्स क्या है, हाउस, ठीक है। लाइक दिस ओनली यू हैव टू क्रिएट वर्ड्स। नाउ एग्जाम्पल, छ अधिक अ, छ, छ मीन्स छात्री या तो छाता आप कह सकते हैं। उसी तरह ही अनेक यहाँ पे वर्ड्स हैं, थ थर्मास, फ फल, थ थर्मास यानी क्या है, जो हम गर्म पानी या गर्म दूध डाल के रखते हैं, या बहुत अधिक समय तक पानी गर्म या दूध गर्म रहता है, या ठंडा, चाहे तो ठंडा रख सकते हैं तो ठंडा भी रहता है। फ फल, र रथ, रथ मीन्स क्या है, चैरियट, फल मीन्स क्या है, फ्रूट्स, ओके। उसके बाद क्या है, न नल, न नल मीन्स क्या है, टैप, ओके। अभी हम सीखेंगे आगे के अक्षर अ स्वर से बने वाक्य, अ स्वर से बने वाक्य, ठीक है। रमन घर चल, ठीक है, सड़क पर सरपट मत चल, झटपट अचकन पहन, अब नल पर चल, नल पर चलकर जल भर। यहाँ पे क्या कहा है, रमन एक छोटा सा लड़का है, उसकी मम्मी उसको, इधर देखिए, यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, ये चित्र, इसमें दिखाया गया है कि रमन घर चल, रमन को घर चलने के लिए कह रही है। सड़क पर सरपट मत चल, सड़क पर सीधी तरीके से चलने के लिए कह रही है, लेकिन लड़का कैसे चल रहा है, वो उठपठान जैसे इधर उधर घूमते जूमते चल रहा है। तो सड़क पर चलना, बीच में चलना बुरी बात है, यानी कि वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, तो सड़क के साइड से यानी कि रोड के साइड से आपको चलना है, ओके। झटपट अचकन पहन, पहन, झटपट अचकन मीन्स यहाँ पे पकड़ा है, देखो मम्मा ने उसके, अचकन मीन्स शर्ट, पहन, उसको शर्ट पहनने के लिए कह रही है। उसके बाद क्या है, अब नल पर चल, ना अभी तू नल पर चल, गो टू नियर बाय टैप, ओके, गो टू नियर टैप, एंड नल पर चलकर जल भर, नल पर चलकर जल भर यानी कि गो टू द नियर बाय टैप एंड फिल द वाटर, वो अपने बच्चे को कह रहे हैं। आपकी भी मम्मा आपको समझाती है, ठीक है ना, उसी तरीके से रमन को उसकी मम्मा क्या कह रही है, घर पर चल, सड़क पर सरपट मत चल, और झटपट से, जल्दी से अचकन पहन, और
नल पे जाकर जल भर करके उसकी माँ उसको कह रही है। ये हो गया यहाँ पे अस्वर से बने वाक्य। अभी इसके आगे क्या है हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिखाया गया है हमें, ये क्या बोलते हैं, स्वाध्याय एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है। जैसे कि ये देखिए, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखे है, लिखिए आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। ओके, नाउ व्हाट यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, व्हाट इज एग्जैक्ट इट इज, दिस इज अ चैरियट, व्हाट वी कॉल इन हिंदी, वी कॉल्ड एज रथ। हम क्या कहते हैं, रथ करके बुलाते हैं। हैव यू सीन रेड रेड कलर वेजिटेबल इन द किचन, येस दिस इज अ टोमैटो, टोमैटो इन हिंदी वी कॉल टमाटर, येस। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ हाउस यानी कि घर। यहाँ है जो चित्र पर बनाया गया है, यहाँ है, पिछले मैंने आपको बताया कि आप गर्म पानी भी भर सकते हैं, ठंडा पानी भी भर सकते हैं, वो येस दिस इज अ थर्मास, ठीक है। ये हो गया चित्र पहचान कर नाम लिखिए। नाउ आई नो यू डोंट हैव दिस बुक, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू सी दिस वीडियो एंड यू राइट ड्रॉ द पिक्चर और यू ड्रॉ द दिस सेंटेंस एंड यू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन आंसर्स। ओके, रमन को कहाँ चलना है, रमन को कहाँ चलना है, रमन को घर चलना है। झटपट क्या पहनना है, झटपट अचकन पहनना है, ठीक है। नल पर चलकर क्या भरना है, नल पर चलकर माँ अपने बच्चे को क्या करने के लिए कह रही है, माँ यानी कि जल भरने के लिए कह रही है, ठीक है। अभी यहाँ तक हमने सीख लिया है, अगले क्लास में हम अगला जानेंगे, गलत क्रम में लिखे गए अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए, रीराइट द इनकरेक्ट वर्ड्स इन देयर करेक्ट फॉर्म पुटिंग द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। ओके, we will discuss in this one next class, okay, till then you all this solve in your classwork, okay, take care, bye bye.